everyone, I am Anindya Goswami. Welcome you back to Pharma E-Class. And we were discussing our third chapter of Unit 1, that is Prescription. So, Prescription chapter की जो basis, जो basic चीज़ें हैं, वो हमने discuss कर चुके हैं. That is the details about Prescription, उसके definition से लेके, उसके different parts. Then we studied what is, how a model prescription was written in those days. और prescription कैसे evolve हुआ है, prescription कैसे अपने primitive type से modern type से evolve हुआ है, वो हमने discuss किया. उसके बाद हमने discuss किया था about how to handle a prescription और how will a pharmacist handle a prescription, जिसमें हमने discuss किया था the first part, that is reading and checking. उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको स्क्रूटिनाइज करना, फिर कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, उसके बाद कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड प्रॉपरली डिस्पेंसिंग. एंड दिस पार्ट के बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर व्हिच कैन कम इन द प्रिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग राइटिंग अनइंटेंशनली, और उन एरर्स को कैसे फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई करेगा. उसके बाद उस आइडेंटिफाइड जो एरर्स है, उस एरर्स प्रिस्क्रिप्शन को कभी भी नहीं डिस्पेंस करना चाहिए. Now, आज हमारा जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, that is the portions which we have taken from that compounding part, that is the labeling part, that is the information which is to be written on the label of a pharmaceutical product. ये हम डिस्कस कर रहे हैं, that was based on the prescription label, that is जो उस समय preparations बनते थे, उस preparation के बाद, जो बन जाने के बाद, suitable pack में करने के बाद, हम लोग pack में भी आएंगे, package details में भी देखेंगे. तो लेबल के ऊपर, क्योंकि लेबल उज द सिग्नेचर पार्ट, अगर आपको याद होगी प्रिस्क्रिप्शन में जो सिग्नेचर पार्ट है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, दैट पार्ट इज कंप्राइजिंग ऑफ द लेबल. लेकिन लेबल में सिर्फ सिग्नेचर पार्ट ही नहीं रहता, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होनी चाहिए. तो वी विल स्टडी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन व्हिच इज टू बी रिटन ऑन द लेबल, और आज के लेबल में जो आजकल लेबल हम देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस दिखता है आपको. बट बेसिकली This is governed by the Drug and Cosmetics Act, जो है हमारे देश में अभी भी है, जो Drug and Cosmetics Act of 1940 and Rules of 1945, जिसके बारे में आप जानते हैं. उस एक्ट के तहत ये सारे लेबलिंग की इंफॉर्मेशन, मतलब हमको गवर्नमेंट के तरफ से, रूल कानून के तरफ से हमको दी गई है. लेकिन हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द मेडिसिन विच वेर प्रिपेयर फ्रेशली एंड विच वेर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन. सो सबसे पहले टाइप ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब एक लेबल के ऊपर होना ही चाहिए और होता था, अभी भी होता है, तभी भी होता था, कि द टाइप ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब डोजेज फॉर्म कौन सी है. जैसे एग्जांपल में भी इमल्शन, मतलब सपोज आपने कोई इमल्शन बनाया तो आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज एन इमल्शन प्रिपरेशन, या फिर आपने पाउडर बनाया उसकी क्वांटिटी के साथ आपको उस प्रिपरेशन का नाम लिखना पड़ेगा, डोजेज फॉर्म का नाम लिखना पड़ेगा. दैट इज टाइप ऑफ द प्रिपरेशन, एग्जाम्पल में भी इमल्शन, में भी पाउडर विद द क्वांटिटी, दैट इज द नेट कॉन्टेंट, मतलब उस पैकेज के अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ इमल्शन, अगर आपने इमल्शन बनाया, या टोटल क्वांटिटी ऑफ पाउडर, अगर आपने पाउडर बनाया कितना है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा प्रॉपरली. नेक्स्ट, ये स्पेसिफिकली कंपाउंडेड मेडिकेशन के लिए लिखे जाते थे, फॉर दैट इज द इंफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट, क्योंकि उस समय मेडिसिन वेर प्रिपेयर फ्रेशली on the basis of the prescription of a particular registered medical practitioner, that for a specific medication for a specific patient. तो label के ऊपर भी, dispensing के जो labels बनते थे, उन label के ऊपर भी ये लिखा जाता था for, फिर जिनका नाम, उनकी age, उनके details, इसके बारे में वो label के ऊपर लिखा जाता था, जो कि आजकल के modern day जो medications है, allopathic medications, उसमें हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है. नेक्स्ट, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वाज दैट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड, उस समय, और अभी क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, दैट इज वो मेडिसिन कब मैन्युफैक्चर्ड हुई है. ओके, नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट, इफ एनी, अगर एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट शुड बी मस्ट, दैट इज अ मस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ लेबल. दैट इज अगर उस समय एक्सपायरी डेट नहीं होती थी, उतना कैलकुलेशन नहीं मालूम थे लोगों को, तो मस्ट बी टेकन विद इन 7 days ऑफ डिस्पेंसिंग, ऐसे लिखा जाता था. ओके, लेकिन आजकल के मॉडर्न डे जो एलोपैथिक सिस्टम के ऑफ मेडिसिन की जो लेवल है, उसमें वी हैव अ स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट, और इट इज टू बी रिटन दैट बेस्ट बिफोर 6 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या बेस्ट बिफोर 1 year ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर स्पेसिफिकली इट इज अ डेट, द डेट इज बीइंग प्रिंटेड. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉडर्न डे लेबलिंग जो कॉन्टेंट्स थे, और आज की जो प्रिपरेशन की जो लेबलिंग है. इसके अलावा द डायरेक्शंस फॉर यूज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होना ही चाहिए एक लेबल में, जैसे कि
किस हिसाब से उस प्रिपरेशन को सेफली एंड इफेक्टिवली पेशेंट यूज करेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको कहाँ ठंड में रखना है, फ्रिज में रखना है, डार्क प्लेस में रखना है, कूल प्लेस में रखना है, या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है, दैट इज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन फॉर यूज। दैट इज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कीप इन अ डार्क प्लेस। क्यों, वाई इन अ डार्क प्लेस? बिकॉज कई ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स है जो कि फोटो लिसिस या फोटो मतलब सनरेज से भी उसमें ऐसा कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, तो हमको सनरेज से उसको प्रोटेक्ट करना है, सो वी शुड कीप इन अ डार्क प्लेस। तो एक पेशेंट को कैसे मालूम होगी, जब तक आप लेबल में उस चीज को इंफॉर्मेशन आप प्रॉपरली नहीं लिखेंगे, तो वो चीज जरूर लिखी रहती है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट और द सिग्नेचर ऑफ पार्ट दैट इज फॉर श्योर द मेन। इसमें डायरेक्शंस रिगार्डिंग हाउ टू टेक दैट मेडिकेशन और किस हिसाब से उसको ये यूज करना चाहिए, डायरेक्शन दैट इज द क्वांटिटी टू बी टेकन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दिन में दो बार तीन बार दैट इज द फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से दिया जाएगा, किस रूट से पेशेंट लेगा, एंड द मेथड ऑफ यूज। अगर एक्सटर्नल प्रिपरेशन है जो कि यूज करना है स्किन सर्फेस पे या बॉडी कैविटीज पे, तो मेथड ऑफ यूज क्या होनी चाहिए, तो दिस इज द पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर यूज। इसमें आपका क्वांटिटी टू बी टेकन 1 टेबल स्पून फुल, 2 टेबल स्पून फुल, या अगर ml के क्वांटिटी तो ml, वॉट एवर इज द क्वांटिटी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट कौन सी, इंजेक्शन रूट है या आपके ओरल रूट है लाइक टैबलेट, या आपके लिक्विड ओरल है लाइक अ सिरप, या फिर आपको ऐसे टैबलेट है जो कि पानी के साथ निगलना पड़ेगा, तो ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं ये चीजें, और एंड द मेथड ऑफ यूज इफ इट इज एन एक्सटर्नल प्रिपरेशन। इसके अलावा वार्निंग्स, इसमें भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड करता है ऑन द प्रिपरेशन टाइप। मतलब बेसिक बाइफर्केशन जो होती है, बेसिक डिफरेंशिएशन जो होती है प्रिपरेशन में, मेडिसिनल प्रिपरेशन में, दैट इज प्रिपरेशन जो कि इंटरनल यूज के लिए है मतलब ओरल यूज के लिए है, या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए मतलब स्किन सर्फेस वगैरह पे यूज के लिए। तो फिर स्पेसिफिकली इट शुड बी वेरी प्रॉपरली मेंशन्ड दैट इज फॉर इंटरनल यूज ओनली या फिर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अगर आंखों में दे रहे हो तो फॉर ऑप्थाल्मिक यूज ओनली, अगर नेजल कैविटी में जा रहा है तो फिर नेजल यूज ओनली। इस टाइप के जो स्पेसिफिकेशन है विच इज कॉल्ड एज अ वार्निंग, दैट इज टू बी ऑल्सो प्रॉपरली बीन रिटन ऑन द लेबल, सो इट इज अ मस्ट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा पोटेंशियल इंटरेक्शंस विद फूड ड्रिंक्स एंड अदर मेडिसिन, मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स है जो आपकी बॉडी के लिए तो उचित है, मेडिसिन के रूप में आप उसको ले रहे हो, लेकिन वो आपके ब्लड में अगर कोई मेडिसिन ऑलरेडी है, अगर कोई केमिकल कंपाउंड ऑलरेडी है ड्यू टू सर्टेन फूड या ड्यू टू सर्टेन ड्रिंक या ड्यू टू सर्टेन इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन। सो व्हाट टू बी टेकन, जैसे कि टू बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमैक में क्यों, ताकि बाकी कोई ड्रग के साथ उसका सामना ना हो, उसका इंटरेक्शन ना हो, तो ही वो प्रॉपरली अपना एक्शन देगा। लेकिन ये पेशेंट को आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इट इज टू बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमैक। या फिर आपका ड्राउजीनेस वार्निंग, ड्राउजीनेस मतलब ऐसे नींद जैसा एक फीलिंग, तो कई ऐसे मेडिकेशन है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ऐसे कुछ कंपाउंड्स है, पर्टिकुलरली अल्कोहलिक कंपाउंड्स विच कैन कॉज सर्टेन ड्राउजीनेस इन अ पेशेंट, मतलब थोड़ा सा नींद जैसा उसको फील होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में आपको पेशेंट को वार्न करना पड़ेगा कि यू आर नॉट सपोज टू, इट कैन कॉज ड्राउजीनेस दिस मेडिसिन, डू नॉट ड्राइव और ऑपरेट मशीनरी और कार, मतलब जो लोग कारखाने में काम करते हैं हेवी मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं वो मेडिसिन के बाद उसको ऑपरेट करने से बचे, या फिर जो लोग ड्राइव करते हैं उसको ड्राइव करने से बचे, बिकॉज इट कैन कॉज अ फेटल इंसिडेंट। तो ड्राउजीनेस वार्निंग भी जरूर रहते हैं अगर आपके मेडिसिनल कंपाउंड में वैसे कुछ इंग्रेडिएंट है विच कैन कॉज ड्राउजीनेस। इसके अलावा इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन, अभी मैंने बताया था इंटरेक्शन, पॉसिबल इंटरेक्शन विद फूड एंड ड्रिंक, वैसे ही पॉसिबल इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी आपको लेबल में जरूर लिखने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल आर टेकिंग टेट्रासाइक्लिन, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा साथ साथ में कैल्शियम की कोई भी डेरिवेटिव या कैल्शियम की कोई भी सप्लीमेंट उनको नहीं दिया जाए, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम आपस में इंटरेक्ट करके कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी बिल्कुल ही रिड्यूस्ड हो जाती है काफी समय के लिए, तो इट इज नॉट टू बी गिवन टुगेदर, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा अगर ऐसा कोई इंटरेक्शन, पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं। नेक्स्ट स्पेशल मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ऐसा कुछ स्पेशल मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अदर देन द रेगुलर, जैसे कि टैबलेट हम लेते हैं या
ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सपोज हो सकता है इंसफ्लेशन हो तो इंसफ्लेटर की मदद से लगानी है, यूज करनी है, तो अगर कोई ऐसे स्पेशल मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस डोजेज फॉर्म का तो आपको देखना पड़ेगा, तो आपको उसको लेबल में लिखने पड़ेंगे। एंड ऑब्वियसली कॉशंस, जैसे कि कुछ ऐसे चेतावनी आपको, अगर ऐसा कुछ है आपकी मेडिसिन ऐसे कुछ कारण से, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कीप अवे फ्रॉम फ्लेम, दैट इज डायरेक्टली ऐसा कुछ फ्लेमेबल उसमें तत्व है तो आपको डायरेक्टली जो हीट, डायरेक्टली जो फ्लेम है, आग है, उससे उसको दूर रखना है। तो ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन एक लेबल में होना ही चाहिए। तो जो मेडिसिन वेर फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली कंपाउंडेड विद द रिस्पेक्ट विद बेसिस ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, उनमें भी ये रहते ही थे। आजकल जो जो मेडिसिन हम देखते हैं, जो लेबल्स हम देखते हैं, उनमें भी ये वार्निंग्स या उनमें भी ये इंस्ट्रक्शंस जरूर मेंटेन रहते हैं। एंड दीज आर ऑल गवर्न्ड बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। अब लेट अस कम टू सर्टेन अबाउट लेबलिंग इंफॉर्मेशन में ही हम चल रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द स्पेशल इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म, क्या जनरली लेबल के ऊपर लिखा जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म के ये नाम्स है और उसके लेबलिंग इंस्ट्रक्शन। डोजेज फॉर्म के नाम अब आप जानते हैं, अब आप देखिए लेबलिंग इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। सो फॉर एप्लीकेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, फॉर कैप्सूल्स देखिए क्या लिखा है, सॉलो विद अ ड्रॉट ऑफ वाटर, एक घूट वाटर से उसको स्वॉलो करिए, उसको निगलिए आप। नेक्स्ट, क्रीम्स फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कीप इन अ कूल प्लेस। फॉर इमल्शंस एंड सस्पेंशंस में भी ऑल्सो, दैट इज शेक द बॉटल बिफोर यूज, व्हाई, बिकॉज इट इज अ टू फेस सिस्टम, तो कई बार दोनों फेस थोड़े थोड़े मतलब सेपरेट आउट या थोड़े से मतलब ऐसे हो सकते हैं, तो उसको एक बार और शेक करेंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये लिखना जरूरी है, शेक द बॉटल बिफोर यूज। तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो कि एक बार आप शेक करेंगे तो वो उनको प्रॉपर तरीके से रिडिस्पर्स कर देंगे, मतलब जो एक टेंडेंसी हुई थी दोनों फेस, क्योंकि दीज आर बायोफिजिकल सिस्टम्स और थर्मोडायनामिक एंड अनस्टेबल एज वेल, तो देयर इज अ टेंडेंसी के सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड और मे बी टू लिक्विड्स कैन गेट स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, तो एक बार दोबारा शेक करने पे वो रिडिस्पर्स होंगे, तो इट इज एक्सेलेंट फॉर यूज। नेक्स्ट, डस्टिंग पाउडर for external use only, not to be applied on open wounds if it is not a sterile one, if it is not a surgical one, so we cannot apply directly to the open wounds, to wo aapko likhna padega. Enemas for rectal use only, nasal drops for nasal use only, liniments jo ki again bahut important preparation hai, for external use only or not to be applied on broken skin, why not to be applied on broken skin, kyun, kyunki iske andar jo materials rehte hain, maine liniments padha the waqt aapko bola tha, it is contains it causes irritation, skin ke upar bahut irritation hoti hai, to agar khuli ghav mein, broken skin matlab jahan pe open matlab wound hai, aisa kuch hai jahan pe cut hai, aisa kuch hai jahan pe ghav matlab open hai, वहां पे स्क्रीन मतलब टूटी हुई है, स्किन मतलब ब्रेक हुई है, तो इन दैट केस आपको उसको अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट विल कॉज सीरियस डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। ओके, सो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड नॉट टू बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, ये लेबल इंफॉर्मेशन जरूर रहनी चाहिए। इसके अलावा आई ड्रॉप्स में देखिए, फॉर ऑप्थल्मिक यूज ओनली, टू बी यूज विद इन 7 days ऑफ ओपनिंग, ये डिपेंड करता है डोजेज, मतलब आपकी ड्रग कौन सी है उसकी क्या वार्निंग दी हुई है, तो कई बार 7 दिन के भीतर वो पूरा ऑप्थल्मिक प्रिपरेशन आपको यूज करनी रहती है, ताकि एक बार आपने बॉटल को ओपन कर लिया और आपने यूज करना शुरू किया तो बाहरी एटमोस्फेयर की जितनी कॉन्टेमिनेशन है उस ओपनिंग से उसके अंदर जा सकता है। हाँ, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव जरूर है, एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हैं, लेकिन वो इतना काफी नहीं है, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा उसमें कॉन्टेमिनेशन आ गया तो वो कॉन्टेमिनेशन अपने आंखों में चले जाएंगे, तो वो प्रिजर्वेटिव इतनी काफी नहीं कि आपके आंखों को भी वो बचाए, तो डोजेज फॉर्म को बचाने के लिए मात्रा में जो प्रिजर्वेटिव डाला है वो डाला गया है, लेकिन फिर भी ये इंस्ट्रक्शन जरूर रहते हैं कि टू बी यूज विद इन 7 days और मे बी 20 days, मे बी सम आवर्स, मे बी 30 days, तो डिपेंड करते हैं ऑन द पर्टिकुलर मेडिकेशन उसमें जो यूज हुआ है। इसके अलावा पेशरीज जो कि फॉर वेजाइनल यूज ओनली, नेक्स्ट सपोजिटरीज फॉर रेक्टल यूज ओनली, और इसमें रेफ्रिजरेशन जो कंडीशन होनी चाहिए वो भी मेंशन रहता है कि टू बी टेकन, टू बी केप्ट, कीप इन अ कूल प्लेस और टू बी रेफ्रिजरेटेड, वो भी इसमें मेंशन रहता है, बिकॉज सपोजिटरी जो ऐसे प्रिपरेशन है जो रूम टेम्परेचर में कई बार आते से ही वो थोड़ा सा सॉफ्ट करने लगते हैं, तो उनको हमको फ्रिज में ही रखना रहता है। नेक्स्ट, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट,
या पेंट्स उनके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. सो दीज आर द डिफरेंट लेबलिंग इंफॉर्मेशन जो कि कंपाउंडेड डिस्पेंसिंग प्रोडक्ट डिस्पेंस प्रोडक्ट पे जरूर रहता था और अब जो फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं उसके लेबल पे भी जरूर रहता है.